हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 है ग्रोइंग प्लांट्स। मैंने एक बार एक वीडियो शेयर किया है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने पूरा क्लास 5 का साइंस सिलेबस बताया हुआ है। तो साइंस सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्रोइंग प्लांट्स। अब इनके अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक देखेंगे, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स एंड सीड जर्मिनेशन। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ा दूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी के टॉपिक हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग प्लांट। सबसे पहले बच्चों को आपको इसकी मीनिंग बतानी। ग्रोइंग मतलब बड़े होना, उगना, और प्लांट्स मीन्स तो पता ही होता है पेड़ पौधे। तो हम पेड़ पौधे कैसे ग्रो होते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो क्या हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आर लाइफ, हमारे लाइफ में प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस हैं, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, ये दोनों टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। देन और ये जो बाकी के 3 टॉपिक्स हैं, सीड डिस्पर्सल, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे छोटा सा ये वार्म अप दिया है, तो ये आप खुद से रीड करके बच्चों को करा लीजिए। मतलब मीन्स ये कॉमन चीज़ है कि बच्चों से पहले, चैप्टर से पहले आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड बातें करनी है, देन उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बच्चों को पूछना है। ये चलिए मैं हम लोग ये डिस्कस कर ही लेते हैं कैसे कराना है आपको। द वेदर वॉज प्लीजेंट दैट डे, सम चिल्ड्रेन वेंट टू द गार्डन टू प्ले। उस दिन का, एक दिन का वेदर बहुत ही प्लीजेंट था, बहुत ही अच्छा था, और कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी टू सी द ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज। वो ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिले हुए फूलों को देख के और ग्रीन ट्रीज को देख के बहुत ही खुश हुए। द गार्डनर आसिफ शोड देम द ब्यूटिफुल प्लांट्स ही हैड ग्रोन। और गार्डनर जो आसिफ था वो उसने उन्हें और ब्यूटीफुल प्लांट्स दिखाए जो उसने खुद ग्रो किए थे। द चिल्ड्रेन बिगेन आस्किंग हिम हाउ प्लांट्स ग्रो एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों ने गार्डनर से पूछा कि उसने ये प्लांट्स कैसे ग्रो किए और इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आसिफ स्माइल्ड, सेट अंडर अ ट्री विद देम एंड स्टार्टेड आंसरिंग देयर क्वेश्चन। आसिफ वहीं एक ट्री के नीचे बैठ गया और उनके क्वेश्चंस का आंसर देने लगा। फर्स्ट क्वेश्चन, दे गिव अस फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ। तो यस, जो प्लांट्स होते हैं ये हमें फ्रेश और क्लीन एयर देते हैं सांस लेने के लिए। दे मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, ये अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाते हैं। दे डैमेज द सॉयल, क्या ये सॉइल को डैमेज करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। हमारे डैमेज को, हमारे सॉइल को ये और अच्छा बनाते हैं, डैमेज नहीं करते हैं। दे गिव अस मेडिसिन, गम, रबर, टी, कॉफ़ी एंड फाइबर, यस, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। दे गिव आउट पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैसेस देते हैं, नो, दे गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ अदर वेज इन विच प्लांट आर इम्पॉर्टेंट एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइड बिलो। अब बच्चों से बोलिए कि कुछ और चीज़ें वो सोचें कि प्लांट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे उनसे बोलिए लिखने के लिए। नाउ लेट्स सी इंट्रोडक्शन। आवर अर्थ इज़ होम टू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमारा अर्थ बहुत तरह के प्लांट्स के लिए एक घर है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स, और हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। फर्स्ट, वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, पल्सेस, बेवरेज, शुगर, ऑयल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें प्लांट से बहुत सारे फूड मिलते हैं, जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस, बेवरेजेस मीन्स लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, प्लांट्स प्योरीफाई द एयर अराउंड अस बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स हमारे आसपास की एयर को प्योरीफाई करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एंड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उनका जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिससे वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी को ख़राब होने से बचाते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ प्लांट्स ग्रो। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं।
स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब सीड्स से पहले देखेंगे कि कैसे प्लांट ग्रो होते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड इन देम, बहुत सारे फ्रूट्स में सीड होती है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स, तो नए प्लांट जो होते हैं वो इसी सीड्स से ग्रो होते हैं। सीड्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, सीड्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे हम सीड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये बच्चों को फिगर दिखाइए। आप रियल इमेज भी दिखा सकते हैं घर पे ही सीड की, किसी भी सीड को स्प्राउट करके। जैसे कि ये है पिक्चर, जो सीड्स में से ग्रीन छोटा सा निकल के आता है उसे हम बेबी प्लांट कहते हैं। जो ये ऊपर की पोर्शन होती है, ये सीड कोट होती है, जो हार्ड पोर्शन होती है, और जो यहाँ मिड की पोर्शन होती है इसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी सीड लेना है, कोई भी, जैसे कि घर में आपको सिंपली चना मिल जाएगा, उसको आप थोड़ा भिगो दें रात भर के लिए। देन उसके बाद उसको आप एक कॉटन के कपड़े में लपेट के रख दें, तो उसमें से जो स्प्राउट्स निकल के आते हैं तो उसका एग्जाम्पल आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। वी नो दैट मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, बट सारी सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो नहीं होती हैं। बिकॉज सम सीड आर ईटन बाय बर्ड, इंसेक्ट और माइट्स। कुछ सीड्स होती हैं जिसे बर्ड और इंसेक्ट्स खा जाते हैं। सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन्स, और कुछ सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग विंड से और हैवी रेन से। सम सीड डू नॉट गेट सफिशियंट वार्म्थ, वाटर एंड एयर, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ इन टू अ न्यू प्लांट। और कुछ सीड्स को सफिशियंट गर्मी, सफिशियंट वाटर, सफिशियंट एयर नहीं मिलता जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके न्यू प्लांट में। द प्रोसेस बाय विच अ सीड चेंज इंटू अ सीडलिंग इज द प्रेजेंस ऑफ राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इज नोन एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कोई भी सीड चेंज होती है सीडलिंग में, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अगर किसी सीड को एकदम प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर, सनलाइट मिलती है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे, इसमें छोटा सा ब्रेक हुआ है, देन ये रूट्स नीचे गई हैं, देन ऊपर शूट निकली है, एंड देन शूट में से लीफ निकली है। तो ये स्टेजेस यहाँ पे पॉइंट्स में दी हुई हैं, हम ये अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन्स। सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, सीड को, सीडलिंग जो होती है उसको कॉटिलेडन्स के थ्रू फूड मिलता है। नेक्स्ट है, द सीडलिंग सून स्टार्ट टू ग्रो रूट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो सीड्स में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स निकलने लगते हैं। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स। और इन रूट्स की हेल्प से इस ये सीड जो भी सॉयल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, द शूट डेवलप विच ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये शूट डेवलप होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देन द शूट देन डेवलप्स लीव्स, और फिर इसी शूट में से ये लीफ डेवलप हो जाती है। द लीव्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीफ ही अपने जो प्लांट होता है उसका किचन बोला जाता है उसको, क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे कि हर प्लांट अपना खाना बनाता है। अ ग्रोइंग सीड गेट्स एयर थ्रू द पोर्स इन द सॉइल। जो ग्रोइंग सीड होती है उनको सॉइल्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे एयर मिलती है। वी विल नाउ फाइंड आउट अबाउट द कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। अब हम उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी हैं। तो एक्चुअल में ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आप यहाँ सीड डिस्पर्सल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में बस इतना ही। पहले आप इतनी चीज़ें बच्चों को क्लियर करिए, देन हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको अपने बच्चों को भी क्लियर करना है। आप चाहे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, चाहे अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं,
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।